हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी नवरात्रि स्पेशल टिक्की लेकर आई हूं। तो आलू की टिक्की तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार आप इस तरह से मेरी बताई हुई रेसिपी जरूर ट्राई करिए, जो कि खाने में टेस्टी भी है, साथ ही साथ ये हेल्दी भी बहुत है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में मैंने ले लिया है, ये है एक कटोरी लगभग उबले हुए आलू। तो मैंने इसे ग्रेट कर लिया है, आप चाहो तो इसे मैश भी कर सकते हो। तो इसके बाद इसमें डाल देंगे दो मैंने हरी मिर्च डाली है, आप रेड चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट बच्चों को खाना है इसलिए तीखा कम यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ये मसाला तैयार किया है व्रत का, इसमें धनिया है, काली मिर्च है और जीरा है। तो इसको डालने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, और साथ ही साथ बाइंडिंग के लिए इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा। तो जीरा भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया था, तो ये देखिए सिंघाड़े का आटा मैंने डाल दिया है। तो बस अब इसमें यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ आज क्या, ये है सोया, मैंने इसे अच्छे से काट कर बारीक और धुल लिया है बहुत अच्छे से। और उसके बाद ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें सोया डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो आप सोया को जो है ना अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं मैंने इतना सोया लिया है तो आप भी इतना ही लो। तो वैसे सोया जितना भी ज़्यादा रहेगा और आलू जितनी थोड़ी सी कम रहेगी तो बहुत क्रंची बनता है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सारे सोया इसमें ऐड कर दिए धीरे धीरे और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। तो बस इस तरह से हमारा ये देखिए मिक्स तैयार हो गया है। अब इसकी हम हाथों में ग्रीस कर लेंगे, हाथों को तेल से, और इसके बाद इसकी हम छोटी छोटी सी टिक्कियां बना लेंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए। और साइज़ भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, छोटी बड़ी। तो बस इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। और एक ऑप्शन और है, अगर आप टिक्कियाँ बनाने का मन ना हो, आप इसकी पकौड़ी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें जो सिंघाड़े का आटा है ना इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए, पानी मिलाकर इसको थोड़ा सा गीला बनाकर इसकी पकौड़ी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसे तल लेते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, पहले तेल को एकदम हाई फ्लेम पर गर्म कर लें, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे धीरे धीरे से अलटते पलटते हुए सेक लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे डाल दिए हैं और इसे अब अलटते पलटते हुए मैं सेक लूँगी। बिलीव मी गाइस, ये टिक्की इतनी टेस्टी है ना कि एक बार आप इसे बनाकर खाएंगे नवरात्रि पे तो आप पूरे 9 दिन आलू की टिक्की भूल जाएंगे। तो इसे आप जो है टमाटर की चटनी के साथ जो है इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। तो ये देखिए अलटते पलटते हुए यहाँ पर मेरी टिक्की मतलब हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, और इसे हमें बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक नहीं करना है, बस हल्की सी क्रंची हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी टिक्कियाँ रेडी हैं। तो कुछ मैं ऐसे होती जाएंगी और मैं निकालती जाऊँगी। अगर आप सोचो कि सारी एक साथ हो जाए तो निकालें, तो इस चक्कर में जल भी सकती है ना, इसलिए जो जो होती जाए उसे निकालते जाएँ। और इसके बाद में मैंने और टिक्कियाँ भी जो बना ली है ना, इसमें जगह खाली करके मैं उसे भी सेट कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी अलटते पलटते हुए सेक ली है, और साथ साथ मैंने इसमें जो और टिक्की बनाई है ना, जगह खाली हो गई है तो इसमें मैं इसे एडजस्ट कर देती हूँ। तो इसी तरह से मैं सारी बना लूँगी। तो गाइस कैसी लगी मेरी आज की वीडियो एंड रेसिपी, प्लीज़ आप बताइएगा जरूर और इसे ट्राई जरूर करिएगा इस नवरात्रि। तो बस यहाँ तक थी मेरी वीडियो। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी टिक्की और हरी टमाटर की चटनी धनिया के साथ में टेस्टी रेडी है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए और नवरात्रम को इन्जॉय कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तो बाय बाय, राधे राधे एंड जय माता दी। वीडियो को गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।